दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी तक हाईएस्ट डीसी वोल्टेज लेवल कितना है? आइए मैं आपको अपडेट करता हूं। एबीबी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसके दावे के अनुसार उन्होंने 1100 किलो वोल्ट अल्ट्रा हाई डीसी वोल्टेज करंट कन्वर्टर ट्रांसफार्मर बनाया है जो कि डीसी का हाईएस्ट वोल्टेज लेवल है। इससे ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज। अगर आप नए हैं तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग सीरीज का पुराना 25 वीडियो जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कार्ड्स पे भी फ्लैश होगा। दोस्तों, मैं क्वालिटी कंटेंट में बिलीव करता हूं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाई वी जनरेट हाई डीसी वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या अप्लाइड फिजिक्स हो, हाई वोल्टेज एसी डीसी या इंपल्स, तीनों टाइप का एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे है। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इन सभी जगह पे हाई वोल्टेज डीसी का इस्तेमाल होता है और वो वोल्टेज रेंज काफी ज्यादा होता है, जैसे 100 केवी या फिर उससे ज्यादा। अगर मैं हाई वोल्टेज के डिफरेंट फॉर्म्स को क्लासिफाई करूं तो वो आएगा हाई डीसी वोल्टेज, हाई एसी वोल्टेज और पावर फ्रिक्वेंसी, हाई एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, हाई ट्रांजिएंट और इम्पल्स वोल्टेज और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, या फिर ट्रांजिएंट वोल्टेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सच एज स्विचिंग सर्ज। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज, तो आज हम जनरेशन ऑफ हाई डीसी वोल्टेज की बात करेंगे जिसका ज्यादातर एप्लीकेशन या तो रिसर्च एरिया या फिर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में होता है। जैसा मैंने बताया कि चाहे वो इंसुलेशन की टेस्टिंग हो, केबल की टेस्टिंग हो, कैपेसिटर की टेस्टिंग हो या फिर किसी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग हो। एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि हाई वोल्टेज डीसी या फिर हाई वोल्टेज एसी का रेंज क्या है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन यानी आईसी के अनुसार अगर डीसी में वोल्टेज का रेंज 1500 वोल्ट से ज्यादा है तो उसको हम हाई वोल्टेज कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर एसी में वही वोल्टेज रेंज 1000 वोल्ट से ज्यादा है तो हम उसे हाई वोल्टेज कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं उन डिफरेंट मेथड्स के बारे में जिसको हम यूज करके हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन करते हैं। तो वी हैव सेवरल मेथड्स सच एज रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर सर्किट को हम यूज करके हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन कर सकते हैं। वो रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव एज पर नीड यूज होगा। सिमिलरली वोल्टेज डबलर सर्किट को हम यूज करके हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन कर सकते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को यूज करके सिमिलरली हम हाई डीसी वोल्टेज जनरेशन कर सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट वन डे ग्राफ जनरेटर को यूज करके हम हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन काफी आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो आप रेक्टिफायर क्या होता है ऑलरेडी जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो सीरीज है, आप वहां जाके एक बार काफी डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप नए हो, अगर आप रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा कम जानते हो तो आपको हाई डीसी वोल्टेज जनरेशन समझने में काफी मुश्किल होगी। अगर किसी सिस्टम में इनपुट एसी दूं और अगर आउटपुट मुझे डीसी मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर, यानी के कन्वर्टर एज अ रेक्टिफायर काम करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे इनपुट एसी है लेकिन यहाँ आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीसीज है, जैसे ये प्योर डीसी हो गया, ये पल्सेटिंग डीसीज हो गया। तो आइए स्टूडेंट, अब हम रेक्टिफायर सर्किट का थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। रेक्टिफायर सर्किट हमारे पास दो तरह के हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब होगा या फिर सॉलिड स्टेट डिवाइस होगा। सॉलिड स्टेट डिवाइस मींस वो डिवाइस जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं और जो मैं बोल सकता हूँ करेंटली हम यूज करते हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइस को यूज करके हम लगभग में 20 केवी डीसी वोल्टेज जनरेशन आसानी से कर सकते हैं, और अगर हमें इससे भी ज्यादा वोल्टेज का जनरेशन करना हो तो ऐसे हम बहुत सारे यूनिट्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब यह एक सवाल आपके लिए है कि हम हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए यहाँ पे यूनिट्स को सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, हम इन्हीं यूनिट्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर काफी कंसेप्चुअल है, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए स्टूडेंट, हम फर्स्ट मेथड यानी रेक्टिफायर के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज यू नो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, या तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा या फिर वो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। एसी के हाफ साइकिल को वो डीसी में कन्वर्ट करके देता है तो दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर,
और एसी के कंप्लीट साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, तो दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज जस्ट अ मैकेनिज्म प्रोसेस जिसमें एसी सिग्नल का हम हर हाफ साइकिल में इन्वर्जन करते हैं, और इसलिए हम एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है, डीसी में। स्टूडेंट, यहाँ पे दो तरह के रेक्टिफायर के मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो मुझे सिर्फ इसी रेक्टिफायर का चर्चा करना था हाई वोल्टेज के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन आप में से बहुत से लोग इस टाइप का रेक्टिफायर जिसमें हम जिससे हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलता है, जिसमें हम कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, के बारे में आपने पढ़ा होगा। आइए स्टूडेंट, अब हम एक एक करके दोनों में समझते हैं। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इस रेक्टिफायर में मैंने कैपेसिटर को एज ए फिल्टर यूज किया है, यानी इसमें पहले कैपेसिटर चार्ज होगा, जबकि यहाँ कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है। तो सबसे फर्स्ट वाले के बारे में हम थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट मेरे पास एसी हाफ साइकिल है, जैसे मैं एसी हाफ साइकिल दूंगा तो मेरा जो डायोड रेक्टिफायर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस होते ही कंडक्शन स्टार्ट होगा और लोड रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू फ्लो होनी चालू हो जाएगी, यानी मुझे आउटपुट मिलने लगेगा। लेकिन जैसे इसका नेगेटिव साइकिल आएगा, तो नेगेटिव साइकिल आते ही यही डायोड यही रेक्टिफायर रिवर्स बायस हो जाएगा और हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी जब हमने कैपेसिटर यूज नहीं किया है तो मुझे पल्सेटिंग हाफ वेव डीसी आउटपुट मिला है, यानी पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिला है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, एनिमेशन से हम इसको देखते हैं। आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे कि फॉरवर्ड बायस में डिवाइस काम कर रहा है और जबकि रिवर्स बायस में मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा है, यानी मुझे सिर्फ आउटपुट फॉरवर्ड बायस में मिल रहा है, रिवर्स बायस में आउटपुट नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट, अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर की बात करते हैं, यानी मैंने कैपेसिटर को एज अ फिल्टर यूज किया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट फटाफट इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे मैंने एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, उस कंडीशन में मेरा जो डिवाइस होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करेगा, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो मेरा डिवाइस रिवर्स बायस में कन्वर्ट हो जाएगा और सोर्स से कैपेसिटर की तरफ सप्लाई यानी बंद हो जाएगी, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो चार्ज कैपेसिटर है वो अपने आप को डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया फिर से मेरा पॉजिटिव साइकिल आ गया, और पॉजिटिव साइकिल में जब मेरा सप्लाई वोल्टेज कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा होगा उसके बाद मुझे फिर से कैपेसिटर चार्ज करना स्टार्ट होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विदाउट कैपेसिटर जहां हमें पल्सेटिंग डीसी मिलता था, यहाँ कैपेसिटर एज ए फिल्टर यूज हो रहा है और जिससे मुझे स्मूथ डीसी आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट, अब हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल, यानी दो मेरे पास यहाँ पे डायोड्स है जिसको मैंने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया है, कैपेसिटर एज ए फिल्टर जो कि लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फुल जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा एसी का, उस कंडीशन में मेरा डायोड ए फॉरवर्ड बायस होगा जबकि मेरा डायोड बी रिवर्स बायस होगा, यानी डायोड ए के फॉरवर्ड बायस होने से मेरे डायोड ए से करंट पास होना स्टार्ट होगा और उस कंडीशन में वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा। सिमिलरली जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो मेरा ए डायोड ए रिवर्स बायस हो जाएगा जबकि मेरा रेक्टिफायर डायोड बी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उस कंडीशन में बी से मेरा करंट पास होगा और कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना स्मूथ फिल्टर्ड डीसी आउटपुट मिल रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड में क्या कुछ लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से हम और अदर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ इस मेथड में कुछ कंस्ट्रेंट है। सबसे पहला कंस्ट्रेंट है कैपेसिटर का साइज, यानी जब हम बहुत हाई वोल्टेज डीसी जनरेशन करते हैं तो कैपेसिटर का साइज काफी लार्ज हो जाता है जो कि काफी कॉस्टली पड़ता है। ये मेथड बहुत हाई करंट एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे मेजर लिमिटेशन है फुल वेव रेक्टिफायर में हम जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसकी सेकेंडरी ट्रांजिस्टर टैप होती है जिसकी वोल्टेज डबल होती है इनपुट वोल्टेज का। तो ये सब कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से हमारा रेक्टिफायर सर्किट काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वोल्टेज डबलर सर्किट और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। फिर भी कोई सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप और मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपका बहुत सारा प्यार ही मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे आने वाले दिन में आप काफी सारे सब्जेक्ट्स को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, जल्दी ही मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।